ऑफ एन ए पी का फॉर्मूला क्या होता है सो एज़ यू कैन सी के फॉर्मूला हम ऑलरेडी डराइव कर चुके हैं जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमें ए एन एथ अगर हमें सपोज टेंथ टर्म निकालनी है तो आंसर ए प्लस नाइन डी आएगा इलेवेंथ टर्म है तो ए प्लस टेन डी आएगा डी का जो कोफिशेंट है वो जो भी मैंने आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछी है उससे ए कम हो जाएगा ठीक है तो ये है फॉर्मूला या हिंट टू रिमेंबर द फॉर्मूला ए एन पूछा है तो ए एस एज इट इज आएगा और जो भी डी का कोफिशेंट है वो एन माइनस वन हो जाएगा एक कम हो जाएगा अब इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब हम करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले देखिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्वेश्चन का फिर आगे करेंगे चेक वेदर टू इज अ टर्म ऑफ एन एपी और नॉट मतलब क्या इस एपी में ये जो एपी गिवन है मैं सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूं सेवन इलेवन फिफ्टीन नाइनटीन एंड सो ऑन उन्होंने पूछा है क्या कोई ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू टू हंड्रेड आएगी राइट right? तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर वैल्यू 200 आएगी तो n हैज टू बी अ पॉजिटिव होल नंबर मतलब जो n है वो एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए या पॉजिटिव होल नंबर आना चाहिए राइट यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यूज आर नॉट अलाउड नेगेटिव इज नॉट अलाउड क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे हो सकता है राइट वी कैन से वन पॉइंट फाइव टर्म क्या है ठीक है वन पॉइंट फाइव इज नथिंग इन मैथमेटिक्स वेन वी टॉक अबाउट टर्म्स बेसिकली सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या ऐसा क्या 200 हंड्रेड एस एपी की टर्म है तो बेसिकली मुझे एक्चुअली में बैकग्राउंड वर्क क्या करना है कि मेरा जो एन है वो एक पॉजिटिव होल नंबर आना चाहिए अगर एन पॉजिटिव होल नंबर आएगा तो वो टर्म है 200। हंड्रेड अदरवाइज वो टर्म नहीं है निकालते हैं कैसे ए इज द फर्स्ट टर्म यानी कि सेवन डी इज ए टू माइनस ए वन दैट इज इलेवन माइनस सेवन राइट right? सो so, हमें पता है जो डी है वो क्या आएगा डी विल बी फोर राइट चिल्ड्रेन अब ए आ गया डी आ गया ए एन एथ का फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी पता है ए प्लस एन माइनस वन डी सो ए एन एथ हमें कितना गिवन है टू हंड्रेड ए कितना है सेवन एन मुझे फाइंड आउट करना है एन माइनस वन डी जो है वो फोर गिवन है सो so, आप सॉल्व करिए कई बच्चे ऐसे सॉल्व प्लीज ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो अगेन ध्यान रखना है फोर इन टू एन यानी कि फोर एन 4 फोर इंटू माइनस वन यानी कि माइनस फोर सो टू हंड्रेड इक्वल्स टू सेवन सेवन माइनस आप फोर कर दीजिए राइट सो विच इज थ्री प्लस फोर एन सो टू हंड्रेड माइनस थ्री इक्वल्स टू फोर एन सो एन इक्वल्स टू प्लीज सब कर दीजिए दैट इज वन नाइनटी सेवन राइट चिल्ड्रन अपॉन फोर राइट सो 197 नाइन्टी सेवन अपॉन फोर सो चेक करिए क्या 197 नाइनटी सेवन फोर का मल्टीपल है नहीं है यानी कि ये एक मिक्स फ्रैक्शन या आप कह सकते हो होल नंबर नहीं आने वाला है तो आप क्या लिखोगे कि सिंस एन इज नॉट अ होल नंबर या एन इज अ फ्रैक्शन

जिसमें हमें ये फाइंड करना होता है कि कोई टर्म ए के अंदर आएगी या नहीं आएगी तो मैंने उसका लॉजिक आपको क्या समझाया कि आपको सिर्फ ये चेक करना है एन होल नंबर है कि नहीं अब अगेन सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आते हैं हाउ many टू डिजिट नंबर्स आर divisible by सेवन हाउ many? हाउ many means अगेन वो किसकी बात कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स की यानी कि जहां पे भी नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो जाएगी तो हमें एन फाइंड करना है कि कितनी ऐसे टर्म्स हैं जो कि टू डिजिट है और सेवन से डिविजिबल है सो so, हम टेन आपको पता है टेन जो है वो फर्स्ट टू डिजिट नंबर है जरा इसको सेवन से डिविजिबल करके देखते हैं सेवन वन जे सेवन एल सी में थ्री बचता है यानी कि ये तो डिविजिबल नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ सेवन मिनिमम सेवन तो होना ही चाहिए था तो मिनिमम सेवन होने के लिए आप सेवन को थ्री में से सब कर लीजिए यानी कि आपको यहाँ फोर ऐड करना पड़ेगा यानी कि पहला वैसे भी अगर आप सेवन का टेबल भी देखोगे तो सेवन वन जे सेवन सेवन टू ज फोर्टीन राइट फिर उसके बाद सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन एंड सो ऑन करके अब लास्ट कैसे ढूंढना है आप हंड्रेड इज अ थ्री डिजिट नंबर आप हंड्रेड को सेवन से डिवाइड करिए सेवन वन ज सेवन अगेन थर्टी सेवन 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 फाइव थर्टी फाइव सो थर्टी फाइव यानी कि थर्टी फाइव होगा तो ये बड़ा हो जाएगा तो सेवन फोर जार यानी कि नीचे 28 आना चाहिए था 30 की जगह यानी कि आप 2 को माइनस कर देंगे 100 में से ताकि हमारी डिविजिबिलिटी प्रॉपर बने राइट सो द लास्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल कैन आई से इट इज 98 एट चिल्ड्रेन टू डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय सेवन अब आपकी सीरीज क्लियर दिख रही है ए जो है वो सेवन है डी जो है अगेन आपको पता है ए टू माइनस ए वन यानी कि ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन विच इज सेवन सी दिस इज टू गिव यू हाफ मार्क दैट इज वाई आई एम राइटिंग दिस ये मत सोचिएगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूं गलती नहीं होगी अगर आप प्रॉपर स्टेप्स लिखोगे ए एन एथ इज नाइन्टी एट अगेन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज नाइन्टी एट ए की वैल्यू फोर्टीन प्लस एन माइनस वन डी इज सेवन इक्वल्स टू नाइन्टी एट अब फोर्टीन को उधर ले जाइए एक और तरीका सिखाती हूँ कैलकुलेशन आसान करने का नाइन्टी एट में से फोटीन सब ट्रैक कर लीजिए सो एट में से 4 गया. फोर राइट सो दिस इज़ एट्टी फोर राइट सो एन माइनस वन इज़ एटी फोर अपॉन सेवन राइट चिल्ड्रन सो आप एटी फोर अपॉन सेवन कर दीजिए आपका आंसर जो है वो कितना आएगा वन टू ट्वेल्व सो एन की वैल्यू कितनी आई ट्वेल्व प्लस वन यानी कि द हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर देयर विच आर डिविजिबल बाय इट इज इज सो दिस डिजिबल इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री उसका सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसी फॉर्मूले से

ऑफ द गिवेन ए पी ये ए पी गिविन है विल बी वन ट्वेंटी मोर वन ट्वेंटी मोर मीन वन ट्वेंटी प्लस इट्स ट्वेंटी फर्स्ट टर्म सो ए ट्वेंटी फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं दिस इज ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू वन ट्वेंटी ए ट्वेंटी वन आपको पता है ए प्लस ट्वेंटी डी होता है अगेन चेक करिए एर ए कैंसल आउट हो जाएंगे राइट right? क्योंकि सेम है डी की वैल्यू क्लियर यहाँ से मिल जाएगी वैसे ए थ्री था और डी जो है वो ए टू माइनस ए वन यानी कि फिफ्टीन माइनस थ्री यानी कि डी जो है वो ट्वेल्व आ गया है वैल्यू पुट कर दीजिए एन माइनस वन इंटू ट्वेल्व इज इक्वल टू वन ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी इंटू ट्वेल्व राइट चिल्ड्रेन सो ये आपका आगे सॉल्व करिए कि कैसे करना है नेक्स्ट सॉल्व सोल्यूशन क्या होएगा सॉल्विंग कर लेते हैं 120 प्लस दिस इज 2240 ट्वेंटी कर दीजिए 0 फोर प्लस टू सिक्स एंड दिस इज 360 सिक्सटी सो एन माइनस वन इज थ्री सिक्सटी बाई ट्वेल्व सो ट्वेल्व थ्रीजा राइट 30 सो एन इज 30 प्लस वन यानी कि जो एन है वो कितना आया थर्टी फर्स्ट टर्म मतलब थर्टी फर्स्ट टर्म वो टर्म होगी जो 120 ज़्यादा होगी ट्वेंटी फर्स्ट टर्म से दैट इज हाउ यू विल इंटरप्रेट दिस क्वेश्चन अब हम जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसे हॉट्स क्वेश्चन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन भी बोला जाता है दिस इज हॉट्स क्वेश्चन चिल्ड्रन फाइंड द टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड आप चेक करो अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें ये नहीं था कि फ्रॉम द एंड फाइंड करना है इसका भी एक शॉर्टकट है जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा हमें जो ए पी है वो फोर्थ टर्म या जो टेंथ टर्म है वो फ्रॉम द एंड फाइंड करनी है एंड मतलब पीछे से हम हमेशा जो हमारा जो एन एथ टर्म का फॉर्मूला है वो आगे से है तो अब हम क्या करेंगे इस ए पी को रिवर्स करके लिख देंगे यानी कि टू फिफ्टी फोर बिकम्स माई फर्स्ट टर्म देन फोर्टीन देन नाइन देन फोर आई होप ये शॉर्टकट समझ आया होगा मैंने क्या किया है जब भी हमें फ्रॉम द एंड कोई टर्म पूछी है तो हम अपने ए पी को रिवर्स कर देंगे रिवर्स मतलब लास्ट टर्म बिकम्स द फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म बिकम्स द लास्ट टर्म एंड सारी टर्म्स बदल गई हैं अब आपको क्लैरिटी हो जाएगी ए की वैल्यू है 254 और जो डी है वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है यानी कि इस केस में डी जो है वो नाइन माइनस फोर आना था लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो वो आएगा नाइन माइनस फोर्टीन यानी कि डी का जो साइन है अगर वो इनिशियली पॉजिटिव है तो रिवर्स में नेगेटिव हो जाएगा उतने ही नंबर से अगर अगर पहले नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा तो डी का साइन चेंज हो जाएगा अब उसने पूछा है टेंथ टर्म अब टेंथ टर्म आपको पता है ए प्लस नाइन डी होता है अगेन सेम वही वाला फॉर्मूला कौन सा ए एन एथ इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी ये सेम फॉर्मूला मैंने यूज किया है ए की वैल्यू टू फिफ्टी फोर प्लस नाइन इंटू डी इज माइनस फाइव सो टू फिफ्टी फोर नाइन फाइव फोर्टी फाइव आप इसे सब कर दीजिए आपका आंसर आएगा टू जीरो नाइन ये था इसका शॉर्टकट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम सेविंग ट्रिक है अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं पहले ए डी निकालते हैं इसमें एन निकालते हैं टू फिफ्टी फोर्थ मतलब वो एन होगा फिर टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड जो है उसे निकालते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग उस टर्म का नंबर क्या होगा तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन एंड बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है तो ये था उसका शॉर्टकट ओके okay? ऐसे ये जो सारी इस ऐसे ही और क्वेश्चंस मैं वीडियो में जो लिंक है उसमें आपको मेंशन कर दूंगी आप वो फुल एक्सरसाइज सॉल्व है आप आराम से एन से प्रैक्टिस कर सकते हो सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके अगले सीक्वेंस के साथ यानी कि सम टू एंड टर्म्स ऑफ एन ए के फॉर्मूले के साथ और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे सो लेट्स लर्न लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स ही मैथ्स